तो अभी मौसम भी आ चुका है पतंगों का, ये तो फटा हुआ है यहाँ से उड़ जाता है। अच्छा ये तुमने पकड़ा था ना कल, वो है कि आपने न्यू लिया था? वो पकड़ा। अच्छा केमिकल है। अच्छा सही है। और माशाल्लाह देखिए मौसम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि सुबह सुबह घर के काम हो जाते हैं शुरू, नाश्ता हमने कर लिया है तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से धो लेते हैं बर्तन। और धूप भी देखें कुछ ख़ास नहीं निकली, बाकी मौसम बहुत अच्छा है। और मेरा बेटा देखे कहाँ पर चढ़ा हुआ है, ये देखें अभी ये होता उड़ा रहा है पतंग, क्योंकि इलेक्शन की है छुट्टियां स्कूल की। ट्यूशन तो जाता है, मदरसे भी जाता है, मगर स्कूल की इसकी छुट्टी है तो ये सुबह सुबह देखे पतंग उड़ा रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत है, तो पतंग उड़ाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सूरज हल्का सा निकला है, ये देखें बिल्कुल धूप इतनी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी धूप है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से धो लेते हैं बर्तन। और ये देखिए मेरे जुगाड़ी काम, इसको उतार लेते हैं साइड पे रख देते हैं कल, क्योंकि मैंने इसे धो के मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे ही रख देते हैं, अभी इसको इधर रखते हैं और इसको उतार लेते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी से धोते हैं बर्तन, फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखें पतंग बच्चे उड़ा रहे हैं, पतंग कैसे लग रहा है, ऐसे छोटा छोटा सा पतंग ये यहाँ पे, और दूसरा पतंग कहाँ है उससे भी ढूंढते हैं। तो आज समीर ने नहीं उड़ाया, वो बहुत दूर है यहाँ से, ये देखें बिल्कुल छोटा सा, ये देखें ये भी पतंग है। और अभी इतने बादल बन गए, ये देखें इतनी शाम हुई नहीं और बादल बहुत ज़्यादा हैं और ठंड भी अभी पड़ चुकी है। और इस मौसम में वैसे भी बच्चे बहुत पतंग उड़ाते हैं, ये देखें छोटी छोटी सी पतंग लग रही है, मगर समीर ने नहीं उड़ाई, वरना ये देखता है तो ऊपर चढ़ जाता है, कहता है मैंने भी उड़ानी है। काफ़ी घने बादल आ चुके हैं ये देखें, और टाइम भी इतना नहीं हुआ, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ ये देखें, टाइम बजे ही 5, ये देखें पाँच बज चुके हैं। और माशाल्लाह से ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी, तो मैंने कहा चलो पर्दे भी दे देते हैं और लाइट को भी कर लेते हैं ऑन, क्योंकि अभी है मगरिब का टाइम, तो मगरिब के टाइम लाइट ऑन कर दिए करें आप भी। बादल बिल्कुल बन गए ऐसे, ना तो बारिश हो जाए, और ये बारिशों की भी मौसम है, कह रहे हैं बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सुबह मैंने बर्तन धोए थे तो ये यहाँ पे मैंने रख दिए, और सर्दी काफ़ी हो रही है तो अभी दूध वाला भी आने वाला है, तो साथ में बनाएंगे हम चाय भी। प्लेटों को यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई हर चीज़ आ गई अपनी जगह पे, दरवाज़े को भी कर लेते हैं इनको बंद, ये भी हो गया डन, और इसको भी पर्दा भी आ गया। अभी कमरे को कर लेते हैं पर्दे दे देते हैं ताकि कमरा भी हमारा गर्म रहे। ये कपड़े देखें यहाँ पे पड़े हैं, क्या करें, मुझे कपड़े धोना और ये इस्त्री करना बहुत मुश्किल लगते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ सारा दिन काम करूँ मगर ये दो काम मुझसे ना करवा, मगर क्या करें करने हैं, दूसरों को तो अच्छे भी नहीं लगते इसके। इन्होंने बहुत तंग किया, ये देखें इनमें मच्छर फंसे हुए हैं, और छत में भी काफ़ी हैं आज तो मैंने देखा ना बहुत ज़्यादा है,
तो कल मुझे लगता है ना थोड़े बहुत ना जाले भी उतारने पड़ेंगे। और माशाल्लाह से देखें मेरे पंखे साफ हैं बिल्कुल, अभी तो मैंने साफ़ किए थे, ये भी साफ़ है और इसको भी मैंने देखे साफ़ कर लिया। अभी मेरे कमरे का थोड़ा ख़राब हो चुका है तो उससे भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो साथ साथ में करते रहेंगे। और ये बेचारा हमारा एसी जो अभी बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये देखें खिलारा कितना है, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। अभी मैंने ये कपड़े इस्त्री नहीं किए और जमा हो गए धुलने के लिए कपड़े। इस शीशे को भी रख देते हैं। ये भी हो गया डन। तो माशाल्लाह से अभी मैंने बनाई अपने लिए चाय और साथ में अभी मैंने आटा भी देखे छान के रख दिया है। तो मैंने कहा ये तीन रोटियां बन जाएंगी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से आटा भी गूंथ लेते हैं। और माशाल्लाह से अभी गैस भी है क्योंकि मशीन है, मशीन की वजह से वैसे तो नहीं होता मगर मशीन है अल्लाह का शुक्र है तो गैस भी है। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ रोटी। गर्म पानी थोड़ा सा रख देते हैं आटे के लिए क्योंकि ये है स्पेशल नवाबशाह का आटा है, तो इस वजह से आपको पता है जो स्पेशल आटा होता है ना वो थोड़ा उसमें ऐसे लगता है जैसे मैदे की मिलावट है, तो इसीलिए मुझे ना थोड़ा हल्का सा पानी गर्म करना पड़ता है। मैं वैसे भी चावल को भी धोती हूँ तो गर्म पानी कर लेती हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि अभी इलेक्शन है तो ये पूरा दिन रैली निकलती रहती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। इनको भी साइड पर कर लेते हैं, इस चार्जर को भी। देखें दूध को भी मैंने बॉयल करके ये साइड पे रख दिया है। तो ये तो हो गए हमारे काम, अभी बस थोड़ा सा गर्म हो जाए पानी और साथ साथ में हमारी चाय भी हो रही ठंडी तो वो भी पीते हैं। तो जिस भाई बहन ने पीनी हो तो हमारे साथ आके पी सकते हैं। तो अभी देखें हम आ चुके हैं उताक में, ये देखें ये सामान सारा यहाँ पे पड़ा है, ये हर चीज़ आधे में। और ये बैठक का कमरा जो बिल्कुल खाली है। और साथ में लेके आई हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए गर्म पानी। और ये देखें ईंटें,